Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayushi Joshi, and you are watching me on the channel of IAS. So here it is 30th of September and let's take today's Hindu news analysis. Usse pehle main umeed karti hu aap khush hain, surakshit hain aur apni studies ko enjoy kar rahe hain hamare matlab IAS ke sath. Okay, so chaliye start karte hain aaj ka analysis. The first news analysis or news article is based on COVID-19. This is about ICMR survey. 60 million Indians may have been exposed to virus. ICMR का survey ये कहता है कि 60 million जो है Indians वो exposed हुए हैं या होंगे virus के चलते, है ना. Second nationwide सेरो survey point जो है वो 10-fold के basis पे 10-fold jump के basis पर infection को explain करता है. देखिए आप exposure जो है इसका out हुआ है तो इस सर्वे के बेसिस पर देखिए मई से लेके अब तक जो सर्वे हुआ है वो 10 फोल्ड्स में हुआ है. कैसे कैसे कहाँ कहाँ सर्वे हुआ है, सेरो जो है प्रिवलेंस के बेसिस पर कितने परसेंटेज हैं, किस किस पीरियड में कहाँ कहाँ पे हुआ है. तो देखिए सबसे पहले ऑल इंडिया हुआ था राउंड वन में, फिर राउंड टू में भी ऑल इंडिया में हुआ था. ये मई से सितंबर के बीच हुआ था. मई से जून, 11th मई से 4th जून जो है ऑल इंडिया हुआ था 0.73%, और ऑल इंडिया राउंड टू के अंदर अगस्त 17 से सितंबर 22 हुआ था 6.60% तक, ठीक है. और यही आप देख सकते हैं काफ़ी डेटा डिफरेंट सिटीज़ का यहाँ दिया हुआ है. तो ये ICMR का डेटा है जो कि सेरोलॉजिकल सर्वे के बेसिस पर है, ठीक है. सॉरी, अराउंड 7% ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन में हैव बीन एक्सपोज टू द नोवल कोरोना वायरस एंड टिल द लास्ट फोर्टनाइट ऑफ ऑगस्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, सेकेंड नेशनल सेरो सर्वे बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा ये कहा गया है कि लास्ट फोर्टनाइट ऑगस्ट के चलते करीब 7% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज हुई है नोवल कोरोना वायरस के कारण. ओके, this is roughly a 10-fold jump in numbers from the first सेरो survey conducted. आप देखिए सबसे पहले 0.73% है और इंदौर के अंदर जब लास्ट अगस्त के अंदर हुआ और उसके बाद सितंबर में हुआ पुडुचेरी में, तो आप देखिए 22.7% हो गया. वहीं पे इंदौर के अंदर जो है 7.8%. तो अल्टीमेटली वी कैन से, अच्छा आप अगर जाएंगे सितंबर 22 ऑल इंडिया का जो सेकेंड राउंड है उसके अंदर 6.60% हो गया. तो अल्टीमेटली वी कैन से 10-fold जंप जो है कंटिन्यू आपको इन नंबर्स में देखने को मिलेगा. 70 डिस्ट्रिक्ट्स, 21 स्टेट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इन्फेक्टेड एरिया की अगर बात की जाए मई से लेकर अब तक, तो वो 10 फोल्ड ज़्यादा जंप मारा है ना नोवल कोरोना वायरस के चलते. सो अल्टीमेटली वी कैन से जहाँ से शुरू हुआ था 0.73% एडल्ट्स थे और आज की डेट में 6.4 मिलियन एडल्ट्स हैं. सो इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं और ये अपने आप में एक टेंशनजनक बात है इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है, इवन फॉर एडल्ट्स ऑल्सो. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन इंडिया चाइना यूनिलेटरल क्लेम्स. बेसिकली ये चाइना ने क्लेम किया है LAC के पोर्शन पे, लैंड एरिया पे, कि ये हमारा पोर्शन है और उस पर इंडिया ने बिल्कुल रिजेक्ट करते हुए, उनकी बात को नकारते हुए उन्हें कड़ा जवाब दिया है. बीजिंग क्वेश्चंस लद्दाख स्टेटस, बीजिंग ने लद्दाख के स्टेटस को क्वेश्चन किया है. अपोजेज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन यूटी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है यूटी के अंदर जो कार्य चल रहा है, मतलब लद्दाख में जो कार्य चल रहा है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर, उसे अपोज करते हुए लद्दाख को क्वेश्चन मार्क एरिया में खड़ा कर दिया है बीजिंग ने. ओके, इंडिया चाइना ऑन ट्यूसडे एक्सचेंज शार्प स्टेटमेंट एक्सचेंज किए हैं और एक दूसरे को ब्लेम किया है बॉर्डर पर चल रही टेंशन के चलते. चाइना ने LAC को जो है अपने एरिया का बताया है, उसे क्लेम किया है, जबकि इंडिया ने उसे बिल्कुल पूरी तरीके से नकारा है, ठीक है. और अपने आप में ये बहुत ही एक कह सकते हैं जंग की कंडीशन आ चुकी है. इंडिया हैज़ नेवर एक्सेप्टेड दी सो कॉल्ड यूनिलेटरल डिफाइंड 1959 के LAC रिलेटेड जो मैटर है उसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हुए चाइना ने उस पूरे एरिया को अपने अंडर में बताया है. इंडिया जो है वो इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल भी जो है नहीं एक्सेप्ट कर रहा था. और 1959 चाइना का ही कहना है, बीजिंग का ही कहना है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का ही कहना है कि 1959 का यूनिलेटरल जो डेफिनेशन है उसको इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि LAC का पोर्शन जो है वो हमारा है,
तो इंडिया ने इस बात को पूरी तरीके से नकारते हुए कहा है कि वो पोर्शन आपका नहीं है, एंड ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है. इट इज़ द एल ए सी ऑफ नवंबर 7, 1959, एंड द एल ए सी ऑफ 1959 वॉज फर्स्ट रेफरेंस्ड इन अ लेटर फ्रॉम दैन चाइनीज प्रीमियर जो एन लाई टू जवाहरलाल नेहरू. An idea rejected by Nehru, एक idea जो reject कर दिया गया Nehru के द्वारा, and subsequently never accepted by India. और ये जो portion अपना बताया जा रहा है या जो area अपने under में लेने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा LAC को, ये जो है उस समय जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जो चाइनीज प्रीमियर थे दैट इज़ जो एन लाई, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई और उन्होंने ये जब ये मुद्दा रखा उनके सामने एल ए सी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसे रखा, तो उस कंडीशन में ये जो आइडिया रखा उसको नेहरू जी ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है, जो ये एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड मैटर नज़र आ रहा है कि अब उन्होंने 1959 की हिस्ट्री को ही बदल दिया है. चाइना का ये कहना है 1959 की हिस्ट्री के मुताबिक ये पोर्शन हमारा है, जबकि हमारा ये कहना है कि उस समय हमारे मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया था कि ये चाइना का एरिया आएगा. ठीक है, उस समय जो भी डील क्रैक करने की कोशिश की गई थी चाइना के द्वारा वो हमने एक्सेप्ट नहीं की थी, जबकि चाइना का ये कहना है कि वो आपने एक्सेप्ट की थी और ये पोर्शन उसके अकॉर्डिंग हमारा है. ठीक है, इंडिया यूटी के अंदर हो रहे जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है उसे अपोज करते हुए बीजिंग ने लद्दाख के स्टेटस को क्वेश्चन मार्क कर दिया है और अपने क्षेत्र में बताते हुए इस पर जो है ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है. अब हम बात करेंगे विंग द कॉस्ट अ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव वैक्सीन बिसाइड्स बींग अनएक्सेप्टेबल विल डू लिटल विथ ओवर 6 मिलियन केसेज द डेथ टोल फ्रॉम कोविड 19 अप्रोचिंग 1 लाख इन इंडिया इज एंटरिंग द फर्स्ट विंटर ऑफ द पेंडेमिक. फर्स्ट विंटर ऑफ पेंडेमिक को हम एंटर कर चुके हैं, 1 लाख केसेज हो चुके हैं डेथ केसेज और 6 मिलियन केसेज जो है पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं. वायरल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली इन द इन्फ्लुएंजा वेराइटी आर ऑल्सो कॉमन एट दिस टाइम ऑफ द ईयर एंड देयर मे बी अ न्यू अननोन्स इन द रिस्क दैट लाई अहेड. ओके, हाउएवर अनदर पोटेंशियल माइलस्टोन अप्रोचेज द प्रोबेबल availability of a vaccine. Union Health Minister Harshvardhan also said that the vaccine will be available by early 2021, but here the government already has an expert committee on vaccine distribution. Their job is to decide who gets the vaccine first, how many will be eligible for the early doses, what the cost would be, and whether there should be a cost at all the majority of Indians who anywhere were the hardest hit by the pandemic in the summer. Storage and supply of vaccines are also problems in daunting as making one and pose complex challenges in India. The government is yet to make its policy on distribution explicit, but the current thinking appears to be that nobody would be denied a vaccine on the grounds of affordability. There is even discussion that a vaccine may be available via the national immunity or immunization program. Okay, this initiative currently offers at least 9 vaccine of preventable disease free for nature has meant that even the quest for a vaccine is international. So let me know you. Dekhi, basically condition kya chal rahi hai yahan pe? Let me explain. Basically सिचुएशन इज़ लाइक कोविड 19 अपने पीक पर है, इंडिया इज़ ऑन टॉप, वर्ल्ड लेवल पे टॉप कर रहे हैं हम, और 6 मिलियन केसेस है पॉजिटिव केसेस, 1 लाख जो है डेथ केसेस सामने आ चुके हैं और हम विंटर के पहले, पेंडेमिक के पहले विंटर के अंदर एंटर कर चुके हैं, है ना. और इसके बाद में अगर हम बात करें तो वायरल इन्फेक्शन जो है लाइक इन्फ्लुएंजा वेराइटी के कई सारे जो है इस पूरे साल में और भी कई सारे इम्पैक्ट नज़र आए हैं, लेकिन इसके कारण मैक्सिमम लेवल पे लोग इफेक्टेड नज़र आए हैं. ठीक है, और काफ़ी रिस्क भी है इसके चलते, और इसी के कारण, इसी के कंसर्न के चलते हर्षवर्धन जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ये अभी रेगुलर अपडेट्स मिल रही है हमें उनकी तरफ से PIB के थ्रू, और उनका ये कहना है कि हम लोग वैक्सीन 2021
अर्ली ही लॉन्च कर देंगे और इस वैक्सीन को सबसे पहले किसे दिया जाएगा, कौन प्रायोरिटी में रखा जाएगा, किसके इसका क्या प्लानिंग होगी, ये सारी प्लानिंग पर वर्क चल रहा है. बट स्टिल वी हैव नेवर डिसाइडेड दैट क्या प्रोसीजर होगा इसका. ओके और जिन जिन लोगों को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, पहले किसे दिया जाएगा, कॉस्टिंग क्या आएगी, क्या रेट पे अवेलेबल होगी वैक्सीन, और ऐसा ना हो कि वैक्सीन की रीच जो है वो जनरल पीपल तक ना हो, इस बात को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा. तो जो है आम जन की नीड और आम जन की अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बेसिस पर ये वर्क सारा किया जाएगा. वाया ऑल दीज थिंग्स वैक्सीन विल बी अवेलेबल. द गावी कोवैक्स अलायंस हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट. वैक्सीन डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के चलते जो है आगे भी जो इसका रेडी होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको लेकर के सारा जो जितना भी कार्यभार है वो गावी कॉम्प्लेक्स अलायंस को दिया गया है बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट बाय 78 हाई इनकम कंट्री एंड डोनेशंस. हाई इनकम कंट्रीज और डोनेशंस को मिला करके उनके पेमेंट्स के बेसिस पे वैक्सीन पर वर्क किया जा रहा है. एंड 50-20% ऑफ एवरी कंट्रीज पॉपुलेशन को इंश्योर किया जा रहा है. इसके अंदर इतनी वैक्सीन्स को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और एटलीस्ट दे आर मोस्ट वल्नरेबल आर एबल टू बी इनोक्यूलेटेड फर्स्ट. इन प्रिंसिपल देयर इज लॉडेबल एम्स एंड अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी. अ पॉसिटी ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स इन मार्च लेड टू स्ट्रिंजेंट restrictions on who could be tested. Though the tests were free, they were free first available only in government facility and this distribution to be a significant pool of untested carriers and rapid spread of the COVID. Okay, that was only marginal bluntly or blunted by the lockdown only after the number of labs expanded to both private and public labs. So overall, we can say that in per work chal raha hai, there are at least three Indian companies hai jo apne level pe vaccines ko test kar rahi hai, un par work kar rahi hai. And so a prohibitive expensive vaccine besides being unexpectable is also unlikely. Aisi vaccines available na ho jo log जो है उसकी एक्सपेंसिवनेस के कारण परचेज ना कर सके. इस बात को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी जितनी भी मेडिकल एजेंसीज हैं वो इस पर वर्क कर रही है. तीन मेजर कंपनीज है जो वर्क कर रही है और सबसे पहली जो मैं आपको बता दूँ लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो गावी कोवैक्स अलायंस है. ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई है आपको. पूरा वैक्सीन पर बेस्ड है कि ऐसी कोशिश कर की जा रही है कि वैक्सीन एक्सपेंसिव भी ना हो और जल्दी से जल्दी लोगों पर इफ़ेक्ट भी करे और जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे भी. ठीक है, सॉरी. तो ये सारी चीज़ें इसको फोकस करते हुए इस आर्टिकल को फॉर्म किया गया है. नेक्स्ट इज मिन्स्क ऑन द ब्रिस्क. अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर्स इज असेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बेलारस. यहाँ पे बेलारस को टारगेट करते हुए ये कहा गया है कि बेलारस को स्टैब्लिश करने के लिए, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर. पावर को स्मूथली जो है ट्रांजिट किया जाना चाहिए. विद अ स्ट्रॉन्ग मैन ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर डिस्पाइट माउंटिंग challenges and a defiant opposition determined to continue protest despite a police crackdown. मैं आपको बता दूँ बेलारस की जो कंडीशन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है. प्रेजिडेंट अलेक्जेंडर और जो है डिक्टेटरशिप के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिक्टेटर ऑफ यूरोप, द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप वॉज अलेक्जेंडर. एंड अल्टीमेटली देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस पीक पर है वहाँ पर. बहुत ही डेंजरस कंडीशंस है, पॉलिटिकल क्राइसिस पीक पर है, सिचुएशंस आर आउट ऑफ कंट्रोल. जिस तरह की सिचुएशंस है उसको देखते हुए लग रहा है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है. बट इट इज़ ऑल अबाउट दिस स्मूथ ट्रांजिशन. जैसा कि आपको लीडिंग लाइन में हेडलाइन में कहा गया है, सब हेडलाइन में, कि स्मूथ ट्रांजिशन जो है पावर का वो अल्टीमेटली एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है बेलारस की प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए. ये सारी चीज़ें हैं डिस्कस की गई हैं रशिया और बेलारूस गवर्नमेंट एंड जो है उनके बीच के जो गोल्स हैं वो बेसिकली अपोजिट हैं. तो उनको टारगेट करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए ये सारा जो है फॉर्म किया गया है. इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल टाइज की ज़रूरत है उन दोनों के बीच में, कैसे रशिया और बेलारूस के बीच के जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो बिगड़े हालात में हैं,
or how government or their own leaders should work on all these things. Okay, Mr. Lukashenko is the power of, or I can say the leading personality of this article. Mr. Putin has backed Mr. Lukashenko and sent consultants to Minsk to help the regime tide over the crisis. जो crisis है उनको regime tide over करने के लिए जो है उन सारे Minsk को establish करने के लिए जो है consultants को भेजा है Mr. Putin ने. वहीं पे Mr. Lukashenko को side में कर दिया है, उनको जो है पीठ दिखाते हुए, उनको पीछे करते हुए ये सारी चीज़ें की गई है. Before the elections, Mr. Lukashenko had expressed the desire to take Belarus away from the Moscow. Moscow के orbit से Belarus को दूर ले जाने का एक desire जो है वो Mr. Lukashenko ने before elections express किए थे, और उसी को लेकर political और economical conditions tie up करने Belarus की जो है उसकी भी उन्होंने विचारधारा प्रस्तुत की थी. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शो होंगी. Belarus और रशिया के बीच के जो कॉम्प्लिकेशंस है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इश्यूज है, उनको कैसे अभी क्या सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, पास्ट में क्या थी, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन वेज कोड. रिसेंटली वेजेस कोड लॉन्च किए गए हैं, आपको पता है ये चीज़. वेज कोड जो है उसके हेस्टी कंपोजिशन को यहाँ डिस्कस किया गया है. द कोड ऑफ वेजेस yet to be notified has not succeeded in a consolidation of laws and in a case of tall official claims. In the brief monsoon session, छोटे से monsoon session जो अभी parliament का रखा गया था, three new labour codes launch किए गए थे. Industrial Relation Code, Social Security Code and Occupational Safety as well as Health and Working Condition Code were bulldozed into passing and now await the president's assent. Basically pass out हो चुके हैं और इनको जो है present कर दिया गया है, और इसको मतलब हम कह सकते हैं bulldoze कर दिया गया है basically, और अब wait की जा रही है president के assent की. Labour Minister संतोष गंगवार told the media that four new labour codes will become operational before the year ends. इस साल के अंत से पहले जो है चार नए लेबर कोड्स लॉन्च किए जाएंगे, ऑपरेशन में लाए जाएंगे. द पीएम नरेंद्र मोदी ऑन हिज पार्ट ही सेड द कोड ऑन वेजेस 2019 वुड एक्सपांड द कवरेज ऑफ वर्कर्स इन ऑल इंडस्ट्रीज. सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं उनको कवर करेगा, उनके लिए वर्क करेगा, उनके ऑर्गेनाइजेशनल सेटल जो सेक्टर्स जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर उनके लिए वर्क करेगा. एंड ओल्ड मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको कवर करते हुए करीब 30% ऑफ वर्क फोर्स को इस कोड से फ़ायदा पहुँचेगा. ही ऑल्सो सेड दैट वाइल देयर वर 10,000 स्लैब्स ऑफ मिनिमम वेजेस दैट एग्जिस्टेड दे वुड नाउ बी रिड्यूस टू 200 स्लैब्स. जो 10,000 स्लैब्स में मिनिमम वेजेस को जो है बांटा गया था, अब वो 200 स्लैब्स में कोलैप कर दिए गए. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो मनरेगा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लेबर कोड के बेसिस पर, नई क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन, पेनल्टी के लिए क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई है. गवर्नमेंट का जो रिसेंट कंपोजिशन है ये कोड्स का, ये किस हद तक हमारे लिए जो है लेबर के लिए, या हम कह सकते हैं वेजेस बेसिस पर जो है लेबर कास्ट पर कहीं ना कहीं किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, और किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से अल्टीमेटली हमें क्या जो है भुगतान करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई. क्या सरकार का ये फैसला सही है, और अगर सही है तो नरेगा पर इसका क्या प्रभाव मिलेगा, आने वाले समय में इसकी क्या प्रॉब्लम सामने आएगी, और इसके लिए क्या क्या प्रोविजन्स पेनल्टी के लिए होने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है. ठीक है, द कोड ऑफ वेजेस जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं वो नोटिफाई होंगे. हैज नीदर सक्सीडेड इन अ कंसोलिडेशन ऑफ लॉ. इसके अंदर बेसिकली लॉज को प्रॉपरली कंसोलिडेट नहीं किया गया है ना. नॉर विल इट एवर अचीव द क्लेम मेड बाय द पीएम. पीएम ने जो भी क्लेम किए हैं इन वेजेस बिल को लेकर, कोड को लेकर, वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. के चंद्रू का ये कहना है कि जिस तरीके का कंपोजिशन क्रिएट किया गया है अभी एज ऑफ नाउ, हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो वेजेस कोड है ये किसी भी स्तर पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, और ना ही इनका कोई ऐसा प्रभाव नज़र आएगा जैसा कि प्रभावों के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिस्कस किया है. ठीक है, तो वेज कोड जो है उसको एक हेस्टी कंपोजिशन बताते हुए उसके अप्स एंड डाउन्स
और को यहाँ पे जो है इवेल्यूएट किया गया है और उसके होने वाले प्रभावों को यहाँ डिस्कस किया गया है, उसको देखते हुए ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं इनमें कहीं लूप होल्स हैं जिसे जिस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ डीमार्केशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर उनके इंटरेस्ट में, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में डीमार्केशन जो है उसे यहाँ डिस्कस किया गया। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसे और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के रोल को कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, क्लियरली डिफ्रेंशिएट करने की। देखिए कमिश्नर और मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर के बीच का जो डिफरेंस है, उस उनका जो रोल्स हैं उनके, वो कहीं ना कहीं मैसअप होते हैं, उनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि कौन सा कार्य किसके लिए कार्य कर रहा है। जस्ट अ मिनट, रिटायरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द शाहीन बाग के केस में राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर जो रिटायरेशन है विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन दिल्ली, दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर जो है उनके ब्रेकडाउन को लेकर यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है उस चीज़ को कि क्या शाहीन बाग की कंडीशन रही है और उसको लेकर के क्या सिचुएशन रही है और उस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर्स आए हैं ना। एंड ओके, ओवर अ थ्री मंथ, तीन महीने के दौरान में देर आर टू परस्पेक्टिव्स एक्सप्लेनिंग द 16,000 कॉल्स इन द टू द पुलिस, पुलिस को 16,000 कॉल्स गए हैं एक दिन में, 3,500 कॉल्स गए हैं। रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं केसेस के वो 751 हुए हैं, डेथ जो है 53 लोगों की हुई और डिस्ट्रक्शन जो है प्रॉपर्टी का वो करीब 20 करोड़ रुपीस का हुआ है। एंड द इनिशियल चार्जशीट रनिंग इनटू 17,000 पेजेस अगेंस्ट 15 पीपल, चार्जशीट जो है 15 लोगों के अगेंस्ट ऑलरेडी चार्ज की गई है। द पुलिस कमिश्नर रिस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म ऑफ द पार्टीशनशिप राइटली पॉइंटेड आउट दैट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओके विथ इट्स इनहेरेंट चेक्स एंड बैलेंस बी अलाउड टू वर्क, द अदर प्रोस्पेक्टिव इज दैट ओके कम्युनिटी वाइड प्रोटेस्ट इज नॉट इट्सेल्फ अ क्राइम एंड दिल्ली पुलिस हैविंग मजिस्ट्रल पावर अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन रिलेटेड फेलियर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर ओके द पब्लिक पॉलिसी इशू as the alleged Shopian encounter underlines is that such a delegation confuses powers with roles. बेसिकली अभी शाहीन बाग के, देखिए इन शॉर्ट मैं आपको इस पूरे केस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। शाहीन बाग से रिलेटेड मुद्दे थे उसके अंदर जितने अभी मैंने आपसे डिस्कस किए, कितने 15 लोगों के खिलाफ 17,000 पेजेस की जो चार्जशीट फाइल की गई है, 751 जो है वो केस रजिस्टर किए गए हैं, 3,500 जो है वो डेली बेसिस पर कॉल्स जा रहे थे पुलिस को, 16,000 कॉल्स गए हैं शाहीन बाग के केस में और इवन 53 डेथ केसेस भी जो है दर्ज किए गए हैं। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। तो अल्टीमेटली वी कैन से जो लोग चाह रहे हैं बेसिकली उसके लिए और जो लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह का प्रोसीजर चल रहा है, कहीं ना कहीं कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर जो है आपस में क्लैश कर रही है और इस बेसिस पर डिसीजन प्रॉपरली नहीं लिया जा रहा है। काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लोगों को ये समझ नहीं आया और अभी शाहीन बाग के केस में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है। एंड इसके लिए क्या पॉलिसी पर रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्या कोर्ट डिस्टिंक्शन की ज़रूरत है, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए और इससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो नीड्स है, उनका जो रोल है और पुलिस कमिश्नर का जो रोल है, उनके बीच का जो ये है बिल्कुल हेयरलाइन जो डिफरेंस है उसको किस तरीके से जो है रिमूव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई है कि कैसे इनके देखिए दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों का ही एक मेजर जो है डिवीजन किया गया है, पर उस डिवीजन का जो डिफरेंस है, उनके जो पावर्स का जो डिवीजन है उसके डिफरेंस को रिड्यूस करना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, क्लेरिफाई करना ज़रूरी है, बिकॉज समवेयर ये क्लैश कर रहे हैं आपस में। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिन पर मजिस्ट्रेट का ही कहना होता है कि कमिश्नर का जो है वो है कॉल है, कमिश्नर का कहना होता है मजिस्ट्रेट का कॉल है, तो अल्टीमेटली पब्लिक भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हैंडल करती है और वहीं पर ये लोग खुद जो कमिश्नर और मजिस्ट्रेट हैं उनको भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं कि कौन सा डिसीजन उनके अंडरटेकन है। तो अल्टीमेटली जो दोनों का रोल है उसे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट है और दोनों के बीच का जो एक बैलेंस है वो बनाने की ज़रूरत है, दोनों के डिफ्रेंशिएशन और रोल के बेसिस पर लोगों को इस प्रॉब्लम से जो है रिमूव, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है।
So ultimately, we need a demarcation in the interest of public order between the role of district magistrate and the role of police commissioner. It is all about it. A major kya difference hai dono ke beech mein aur kin kin states mein kya kya difference aur kya kya conflicts aaj tak dekhne ko mile hain, unka kya solution hai, ye sari cheeze is article mein batayi gayi hai. Aap mujhe comment section batayenge ki police commissioner aur district magistrate ke beech ke three major differences in dono post ke beech mein. तीन मेजर क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल दोनों को सेपरेट करती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, ठीक है. सो इट इज़ ऑल फॉर अबाउट टुडेज एनालिसिस. आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछिए. इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हम उसे डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट फर्दर वी विल डिस्कस इन इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ पे हम लोग जो है और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे. सो बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी ऑन अचीव आईएएस. और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.